इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आज राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा के निर्देश में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव किसान सम्मान विजय पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव में जाकर किसान भाइयों को एक बताने का प्रयास किया गया। जी हां, आपको बता दें, जब तक फसल खरीद गारंटी योजना लागू नहीं होगी तब तक आपका हित नहीं होने वाला है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्वांचल संयोजक मुरली मनोहर पांडे ने घोसी विधानसभा के पौनी ग्राम सभा से प्रारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वांचल में 32 चीनी मिलें थी, 18 चीनी मिलें बंद हो गई हैं, शेष चीनी मिलें बंद होने के कगार पर हैं। गन्ना किसानों का भुगतान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अब तक नहीं किया गया है। खाद व बीज के दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। विद्युत बिल में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कर्जे से डूबा है, तो वहीं किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है और सबसे ज्यादा किसान परेशान है। यूपीए में मात्र राष्ट्रबंधु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, जो किसानों का आय दोगुना किया था, किसानों का कर्ज एक मुफ्त किया था, साथ ही साथ खाद व बीज सस्ते रेट पर भी मिल रहे थे। किसान खुशहाल थे, लेकिन आज किसानों की दशा बल से बदतर हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश में एनसीपी की सरकार बनती है तो किसानों का विद्युत बिल माफ होगा, किसानों का आय दुगना होगा, 300 यूनिट बिजली के बिल फ्री होगी, साथ ही साथ खाद और बीज पर कम रेट पर दिया जाएगा। किसानों की दशा सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि नीति अपनाई जाएगी एवं कृषि आयोग का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में घोसी विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी कन्हैयालाल नई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव कलिका राजभर आदि लोग मौजूद रहे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।